एनडीए के नेता, भाजपा के नेता देश में नरेंद्र मोदी जी हैं और पिछले 7 वर्षों से इस देश की सेवा कर रहे हैं और आगे भी 10 साल तक अभी वो सेवा करेंगे। पार्टी वैसे तो हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन आज हमारे पास एक सक्षम और इस देश को समृद्ध बनाने वाला नेतृत्व है। आगे जो भी कोई पार्टी के लोग प्रिया मटेरियल बनाना चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टी का बनाए, उसका स्वागत है, लेकिन इस देश में कोई वैकेंसी नहीं है। इस देश में एक और एक मात्र चेहरा नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर अभी तक सिर्फ प्रखंड कार्यालय में संचालित हो रहा था। हमने एक निर्देश दिया है कि हर हालत में, इसी बार बजट में हमने ये प्रावधान किया कि 15 अगस्त 2021 तक सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर को सुनिश्चित करना है और जहां जिन पंचायतों में नहीं खोला जाए तो वहां के संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई किया जाए और साथ ही साथ उसका टाइमिंग भी फिक्स हम लोगों ने कर दिया, 10 से 12:30 और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस बीच में दोनों में से कोई एक समय, पूरा समय वहां पर हमारे कार्यपालक सहायक या पदाधिकारी वहां पर प्रतिनियुक्त करेगा, जिससे कि लोगों को आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी और तरह का जो सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं उसको पंचायत में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। दूसरा है जलनल योजना। जलनल योजना में बहुत जगह हम लोगों को शिकायत मिली कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसी पर हम लोगों ने जिलाधिकारी, तमाम जिलाधिकारी को ये निर्देशित किया है, सुनिश्चित करें वार्ड के वोटर के साथ अनुमान 1 वार्ड में 200 से 300 घर होते हैं। हम लोगों ने कहा वोटर लिस्ट से उसको जोड़िए और वोटर लिस्ट से सर्वे कराकर एक एक व्यक्ति को घर में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो नहीं लेना चाहता वो भी लिख के दे कि नहीं लेना चाहते। तो ऐसे परिस्थिति में नल जल का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार चाहते हैं कि देश के एक एक व्यक्ति, बिहार के एक एक व्यक्ति को हम नल जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाने का काम कर सकते, इसलिए 2-3 प्राथमिकता है हमारी जिसको हम पूरी तरह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि चुनाव आयोग ने क्या पत्र लिखा है, क्योंकि हमी को तय करना है और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी के पास जाना है। अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। कई समाचार पत्र के लोगों, पत्रकार के प्रकाशन के लोगों ने हमसे पूछा, मेरे को कोई जाना क्या संभावना है चुनाव, यदि कोविड की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है और बाढ़ धीरे धीरे कंट्रोल है तो राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है चुनाव घोषणा कर। जाति गणना बहुत मत देते हैं आपके एनडीए में, बहुत मत देते, भारत सरकार उस पर निर्णय ले रही है। भारत सरकार जल्दी एक रास्ता बनाकर इस देश में जो लोगों की चिंता है उस पर विचार कर। राजद 7 सितंबर से मंडल दिवस मना, क्या पार्टी अपने अपने पार्टी का काम लोग करते हैं, करें लालू की एक्टिविटी बढ़ी है। लालू जी 15 साल, लालू जी को मौका मिला है बिहार में शासन चलाने का, विकास के कार्यों को उन्होंने क्या किया है नहीं किया है बिहार की जनता जानती है, ज्यादा उसको जनता देखने का काम करेगी। 15 साल से जो एनडीए क्या काम कर रही है और उसके पहले लालू जी 15 सालों में क्या काम किए हैं, इसलिए ये जनता को तय करने की। तीसरा फ्रंट का भी एक प्रयास हो रहा है, क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सब एक्सपायरी डेट के लीडर्स हैं, आगे कुछ होना नहीं है। राजनीतिक तौर पर क्योंकि समाजवाद के कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो लोग यही काम करते हैं तो उसमें करते हैं।